आप जो भी सामान खरीदते हो उसका कुछ परसेंटेज फ्यूल के पीछे जरूर जाता है, चाहे वो कॉस्ट मैन्युफैक्चरिंग का हो या फिर ट्रांसपोर्टेशन का। आपके पास व्हीकल हो या ना हो, तेल का खर्चा आपको देना ही होता है। लेकिन इस वीडियो में हम जानेंगे कि अगले कुछ सालों में कैसे ये खर्चा कम हो सकता है। भारत ने पिछले 7-8 सालों में 60,000 करोड़ रुपए की विदेशी मुद्रा बचाई थी इथेनॉल ब्लेंडिंग के जरिए। कुछ दिन पहले यूनियन मिनिस्टर मिस्टर नितिन गडकरी ने एक इंटरेस्टिंग बात कही थी कि आने वाले सालों में इथेनॉल ब्लेंडिंग की मात्रा बढ़ाकर पेट्रोल का रेट 15 रुपए प्रति लीटर किया जा सकता है। काफी एम्बिशियस स्टेटमेंट है ये, क्योंकि इसके साथ देश के फूड सिक्योरिटी और दूसरे प्रैक्टिकल चैलेंजेस जुड़े हुए हैं। पूरे मुद्दे को समझने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि शायद ये आपके फ्यूचर प्लानिंग के लिए काम आ सकता है। मेरा नाम है कौस्तव और आप देख रहे हैं रूट सीकर। इथेनॉल यानी इथाइल अल्कोहल, जो आमतौर पे हैंड सैनिटाइजर, परफ्यूम, इंक या फिर ज्यादातर अल्कोहलिक बेवरेजेस में पाया जाता है, ये एक हाईली फ्लेमेबल एनर्जी फ्यूल है जिसको अलग अलग मात्रा में पेट्रोल के साथ मिक्स किया जाता है। इंडियन मार्केट में 2013 से लेकर अब तक इथेनॉल ब्लेंडिंग का परसेंटेज 1.6 से लेकर 11.75% तक किया गया है। इसी के जरिए बीते कुछ सालों में क्रूड ऑयल का इंपोर्ट भी मैनेज किया गया है। लेकिन देश में आबादी और अर्बनाइजेशन बढ़ने के साथ साथ एनर्जी कंजम्पशन भी बढ़ रहा है। आज हम दुनिया के थर्ड लार्जेस्ट फ्यूल कंज्यूमर हैं और आने वाले सालों के प्रोजेक्टेड नंबर्स काफी ज्यादा है। ऐसे में सरकार 2025 तक इथेनॉल ब्लेंडिंग का परसेंटेज 20% तक लेके जाना चाहते हैं। इथेनॉल का कॉन्सेप्ट नया नहीं है। 18th सेंचुरी में क्रॉप वेस्ट को फर्मेंट करके इथेनॉल बनाया जाता था, तब इसको मेनली ऑयल लैंप या फिर स्टोव फ्यूल के तौर पे इस्तेमाल किया जाता था। 19th सेंचुरी से 20th सेंचुरी के शुरुआत तक अलग अलग इथेनॉल बेस्ड इंटरनल कंबशन इंजिन्स के प्रोटोटाइप्स बनते रहे। इस समय लिमिटेड नंबर्स में एमेचर इथेनॉल बेस्ड कार्स अमेरिका और यूरोपियन स्ट्रीट्स में देखा जाता था, लेकिन उस वक्त गैसोलीन की प्राइस काफी कम थी। इस वजह से ज्यादातर ऑटो मैन्युफैक्चरर्स ने इथेनॉल बेस्ड कंबशन इंजन बनाने में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाया। 1973 से 74 के बीच सऊदी अरेबिया ने पॉलिटिकल रीजंस के चलते ऑयल इंपोर्टिंग नेशंस के ऊपर सैंक्शंस डाल दी। इसके चलते ऑयल की प्राइस 300% तक बढ़ चुकी थी। इस घटना के बाद से कंपनीज ने अल्टरनेटिव फ्यूल की ओर देखना शुरू किए। ऐसे मौके पर सबसे बड़ा एग्जांपल के तौर पे सामने आया ब्राजील। उनके सरकार ने देश भर में बायो इथेनॉल को एज ए फ्यूल के तौर पे प्रमोट किया, क्योंकि उनको सालों से शुगर केन प्रोडक्शन का अच्छा खासा एक्सपीरियंस था। 1978 में 100% इथेनॉल से चलने वाली कार फिएट 147 को पहली बार लॉन्च किया गया। आज ब्राजील में दुनिया के किसी भी कंट्री से सबसे ज्यादा इथेनॉल कार चलता है। कम फ्यूल में लाइट वेट इंजिन को एम्पावर करने वाली इथेनॉल फॉर्मूला 1 रेसिंग में भी यूज होता है। इसके अलावा रॉकेट रेसिंग एयरक्राफ्ट्स में भी इसका लिमिटेड यूजेस देखा जाता है। हमारे देश में इथेनॉल के जरिए कई सारे बेनिफिट्स मिल सकते हैं। बेनिफिट नंबर 1, कच्चा तेल यानी क्रूड ऑयल भारत में नहीं पाया जाता, इसलिए हमको दूसरे ऑयल रिच नेशन से इसको खरीदने पड़ते हैं। खरीदे हुए ऑयल को कंपनीज अपने प्लांट्स में मल्टीपल स्टेजेस के थ्रू रिफाइन करते हैं, यानी मल्टी लेवल टैक्सेशन लगता है। ऐसे में अगर इथेनॉल का परसेंटेज बढ़ाया जाए तो क्रूड ऑयल का इंपोर्ट घटाया जा सकता है। बेनिफिट नंबर 2, इथेनॉल प्रोडक्शन में शुगर केन, राइस और कॉर्न जैसे रॉ मटेरियल्स का इस्तेमाल होता है। आज इथेनॉल प्रोडक्शन में भारत ग्लोबली 7th रैंक पर आता है, लेकिन रॉ मटेरियल के मामले में हम लीडिंग पोजीशन पर हैं। भारत राइस और शुगर केन का टॉप प्रोड्यूसर और एक्सपोर्टर है। डोमेस्टिक यूज और एक्सपोर्ट के बाद इनका सरप्लस स्टॉक मौजूद रहता है। इसके अलावा क्रॉप वेस्ट जिनको किसान जला देते हैं उससे भी इथेनॉल बनाया जा सकता है। मेनली फर्मेंटेशन के जरिए इसको बनाया जाता है। बेनिफिट नंबर 3, 2030 तक भारत की रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी 500 गीगावाट तक पहुंचनी जरूरी है। आज हमारी कैपेसिटी है 172 गीगावाट। इसको ध्यान में रखते हुए फॉसिल फ्यूल को इथेनॉल जैसे बायोफ्यूल्स के जरिए रिप्लेस किया जा सकता है। रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर हमने ये वाली वीडियो बनाई थी, आप डिस्क्रिप्शन में जाकर इसका लिंक चेक कर सकते हैं। इथेनॉल ब्लेंडिंग के ऑब्जेक्टिव्स तो काफी नेक हैं, लेकिन इनको अचीव करने के रास्ते चैलेंजेस उतने ही ज्यादा हैं। चैलेंज नंबर 1, फूड सिक्योरिटी। रिसेंटली भारत ने राइस एक्सपोर्ट बैन कर दिया था, जिस वजह से विदेश में एनआरआईज के बीच राइस स्टॉक को लेकर हाहाकार मच गई थी। एक्सेस रेन की वजह से देश में मौजूद राइस की स्टॉक खराब हो रही थी, इसलिए इंटरनल डिमांड को ध्यान में रखकर एक्सपोर्ट बंद कर दिया गया। शुगर केन का भी सिमिलर सिचुएशन है। इरेगुलर वेदर की वजह से फूड शॉर्टेज का रिस्क इंक्रीज हो रही है। ऐसे में फूड स्टॉक से फ्यूल बनाना एक नए क्राइसिस को इन्वाइट कर सकती है। अगर आप इंडियन सिटीज में होने वाले फ्लड के कारण और उसके सोल्यूशन जानना चाहते हैं तो इसके ऊपर भी हमने एक वीडियो बनाया है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चैलेंज नंबर 2, एक्सेस वाटर यूजेज। 1 kg शुगर केन उत्पादन में 2000 लीटर से ज्यादा पानी की जरूरत पड़ती है। भारत में पानी की समस्या हर किसी
किसी को पता है। ऐसे में इसके जरिए इथेनॉल को बनाना कितना प्रैक्टिकल है, इस पर बहुत बड़ा सवाल है। चैलेंज नंबर 3, एनर्जी एफिशिएंसी। इथेनॉल और फॉसिल फ्यूल को अगर कंपेयर किया जाए तो इथेनॉल का एनर्जी लेवरेज काफी कम है, मतलब सेम डिस्टेंस जाने के लिए आपको ज्यादा इथेनॉल बर्न करना पड़ता है। अगर इथेनॉल ब्लेंडेड फ्यूल का प्राइस कम भी हो जाए फिर भी कंजम्पशन के मामले में ये पेट्रोल से कहीं ज्यादा हो जाएगा। चैलेंज नंबर 4, इंजन का अपग्रेड। सभी फ्यूल टाइप्स के इंजन अलग होते हैं और इथेनॉल भी इसका एक्सेप्शन नहीं है। यानी अगर इथेनॉल ब्लेंडिंग की मात्रा पेट्रोल में बढ़ाया जाए तो उसके लिए स्पेसिफिक फ्लेक्स इंजन का होना बहुत जरूरी है। कार मैन्युफैक्चरर्स ऑलरेडी नए स्टैंडर्ड वाले इंजन का प्रॉमिस कर चुके हैं जो अगले कुछ महीने में नए मॉडल्स के साथ रोल आउट भी हो जाएगी, लेकिन एग्जिस्टिंग कार ओनर्स के लिए क्या ऑप्शन हो सकता है इस पर अभी भी कोई क्लैरिटी नहीं है। ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। नंबर 5, प्राइस कट इज अनरियलिस्टिक। आज पूरे भारत में पेट्रोल की प्राइस लीटर प्रति 90 रुपए के आसपास है। अगर दिल्ली की एग्जांपल लेते हैं तो जुलाई 16 तक यहां पर लीटर प्रति प्राइस था 96 रुपीज और 72 पैसे। इसमें बेस प्राइस 57 रुपीज, एक्साइज ड्यूटी 19 रुपीज, डीलर का कमीशन 3 रुपए और वैल्यू एडेड टैक्स 15 रुपए। अब गडकरी सर ने ये कहा था कि 60% ब्लेंडिंग के जरिए 15 रुपए प्रति लीटर आ जाएगी, लेकिन आज अगर बेस प्राइस ही 35 के ऊपर है तो कल जाकर इसके घटने के ज्यादा चांसेस नहीं है। वैसे भी इंटरनेशनल क्रूड प्राइस जब बढ़ती है तब इंडियन मार्केट में भी पेट्रोल की प्राइस बढ़ जाती है, लेकिन विदेश में जब क्रूड की प्राइस गिरती है उसका रिफ्लेक्शन इंडियन मार्केट में नहीं होता। चैलेंज नंबर 6, ग्रीन हाउस गैस एमिशन। इथेनॉल फॉसिल फ्यूल्स की तुलना में कम कार्बन इमिट तो करती है लेकिन ये कार्बन न्यूट्रल नहीं है। इसके अलावा प्रोडक्शन के टाइम जो फर्मेंटेशन किया जाता है उससे भी काफी कार्बन प्रोड्यूस होता है। इतने सारे चैलेंजेस के बावजूद इथेनॉल एक गेम चेंजर हो सकता है, क्योंकि भारत अगर फूड स्टॉप और फ्लेक्स इंजन की समस्या सॉल्व कर लेता है तब इथेनॉल प्रोडक्शन बढ़ाई जा सकती है। इससे हम बायोफ्यूल एक्सपोर्ट में हमारी रैंक भी सुधार सकते हैं, फोरेक्स इनकम और भी बढ़ा सकते हैं, लेकिन इसके लिए बहुत ही बैलेंस स्ट्रेटजी की जरूरत होगी। अगर पेट्रोल की प्राइस 15 के जगह 50 पर भी आ जाए ना तब भी आम लोगों को फायदा ही है, और ये कैसे अचीव हो पाएगा वो तो वक्त ही बताएगा। यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद। इस तरह के वीडियोस बनाने के लिए हमें काफी रिसर्च लगती है, इसीलिए हम आपसे एक ही विनती करते हैं, हमारे चैनल रूट सीकर को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। अगर वीडियो पसंद आए तो इसको प्लीज लाइक कीजिए और जितना हो सके अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक कीप सीकिंग दोस्तों।